ये तस्वीरें भारत की हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की है। विश्व के ताकतवर नेताओं के सम्मान की है। ये गांधी के भारत की ताकत है। यहां पूरी दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और पीएम मोदी ने G20 के आयोजन को ऐसा बनाया कि पूरे दुनिया ने लोहा माना। ये बापू के विचारों की ताकत ही है कि आज पूरी दुनिया उनके सामने सिर झुका रही है। महात्मा गांधी ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बताया था कि अगर किसी बात का संकल्प लेकर पूरे मनोयोग से उस पर काम किया जाए तो उसका सिद्धि तक पहुंचना तय होता है। और भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में यह कर दिखाया। गांधी के सत्य और अहिंसा के राह पर चल जब G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में दुनिया की महाशक्तियों का जमावड़ा लगा तो सभी ने अपनी आस्था महात्मा गांधी में दिखाई। महात्मा गांधी कहते थे कि उनकी जिंदगी ही उनका संदेश है। G20 के लिए चुना गया हर एक स्थल विश्व को एक संदेश दे रहा था। बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, सभी ने माना बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। राजघाट पर G20 के राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचे तो खुद पीएम मोदी ने सबका स्वागत किया, खादी की शॉल पहनाई और सबको गांधी आश्रम का महत्व भी समझाया। गांधी आज के दौर की जरूरत हैं। जब महाशक्तियों में तकरार हो रहा हो, विश्व की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही हों, ऐसे में गांधी ही हैं जो शांति का रास्ता दिखा सकते थे। सभी मेहमानों को पीएम मोदी बापू की जिंदगी से जुड़ी बातें बता रहे थे जिन्हें वो काफी ध्यान से सुन रहे थे। आजादी के बाद ऐसे मौके बहुत कम आए जब इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और कई बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बापू को नमन करने पहुंचे हों। ये वो पल था जब पूरी दुनिया बापू के आगे सिर झुका रही थी और नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के तमाम दिग्गज पूरी श्रद्धा से बापू को नमन कर रहे थे और आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक बुजुर्ग ने बिना किसी हथियार के इतने बड़े देश को आजादी दिला दी। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे जैसे विविध राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, गांधी जी के आदर्श सामंजस्यपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि का मार्गदर्शन करते हैं। ये सच है कि आज के समय में बापू के आदर्शों पर चलना कठिन ही नहीं, नामुमकिन सा है। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी कर दिखाया और पूरे विश्व को ये बता दिया कि भारत अब वो देश नहीं जो पीछे पीछे चले, बल्कि भारत अब पथ प्रदर्शक है जो पूरे विश्व को शांति का रास्ता दिखाता है और विकास के नए आयाम गढ़ता है। आपको ये जानकारी फिलहाल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको देश दुनिया की खबर एक क्लिक में मिल जाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलें, तभी तो हमसे जुड़े रहेंगे।